हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैब इंडियन फूड। उम्मीद करती हूँ आप सब बेहतर होंगे। आज मैं आप सबके साथ इंडियन ट्रेडिशनल पकोड़े, प्याज के पकोड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक तो मैं स्प्रिंग अनियन से बनाऊंगी, यानी हरे प्याज के, और दूसरा सिंपल प्याज के पकोड़े। बरसात का मौसम है और सब लोग पकोड़े सभी लोग पसंद करते हैं, तो आप इसे अपनी मनपसंद चटनी या किसी भी सॉस के साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले ग्रीन अनियन यानी स्प्रिंग अनियन पकौड़ा मैं बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले स्प्रिंग अनियन को हम वॉश करके जो है इस तरह से फाइनली चॉप कर लेंगे। जो हरे प्याज के जो पत्ते हैं वो भी हम काट लेंगे, और जो उसकी जो प्याज है सॉफ्ट वो भी हम इसमें काट लेंगे, और उसी में ऐड कर लेंगे 1 बॉयल पोटैटो यानी उबला हुआ आलू हम मैश करके इसमें ऐड कर लेंगे, और साथ ही में ऐड कर लेंगे ग्रीन चिली और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, 1/4 स्पून अजवाइन, 1/2 स्पून पकौड़ा मसाला। इसकी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूँगी, इसका लिंक आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही में ऐड कर सकते हैं 1/4 स्पून या 1/2 स्पून हल्दी पाउडर और 1 कप बेसन। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा सा हम पानी ले लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके 1 स्पून हम इसमें ऐड करके इसका डो तैयार करेंगे। बहुत गीला इसको अगर कर देते हैं तो पकोड़े एकदम क्रिस्पी नहीं बनते हैं, तो ये अब बैटर बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है और उसे हाई फ्लेम पे गरम करके अब मैं पकोड़े इसमें फ्राई कर लूँगी। स्टार्टिंग में फ्लेम को हाई रखें, उसके बाद फ्लेम को लो मीडियम कर दें ताकि पकोड़े अंदर तक कुक हो जाएँ और क्रिस्पी हो जाएँ। अगर आप बॉयल पोटैटो इसमें अगर आप नहीं ऐड कर सकते या फिर आपके पास उस वक्त बॉयल पोटैटो नहीं है, तो आप जो है जो आलू है उसको आप ग्रेट करके या घिस करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे भी ये उतना ही क्रिस्पी बनता है। तो देखिए रेडी है स्प्रिंग अनियन पकौड़ा। होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। दूसरी रेसिपी है सिंपल प्याज के पकोड़े, तो उसके लिए मैंने जो है 2 मीडियम साइज़ के अनियन बहुत पतले पतले जो है इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया है, और उसी में ऐड कर लिया है ग्रीन कोरिएंडर, और साथ ही में ऐड कर लिया है हल्दी, 1/4 स्पून हींग, 1/2 स्पून चाट मसाला, 1/2 स्पून चिली फ्लेक्स और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। तो इन सब चीज़ों को भी हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो बॉयल एक पोटैटो ऐड कर सकते हैं, या फिर बॉयल पोटैटो अगर नहीं हो तो आप आलू को घिस के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उससे पोटैटो काफ़ी जो है पकोड़े को काफ़ी क्रिस्पी बना देता है, इसलिए उसका जो है टेस्ट है काफ़ी अच्छा हो जाता है, काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। और इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद यहाँ पे 2 स्पून मैंने जो है ये राइस फ्लोर ऐड किया है, चावल का आटा, और 2 स्पून बेसन। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो हम थोड़ा सा पानी 1 या 2 स्पून इसमें ऐड करके इसको रेडी कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, और मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है 1 स्पून पकौड़ा मसाला। पकौड़ा मसाला की जो रेसिपी है मैं लिंक उसका जो है डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर रही हूँ, और वहाँ से आप पकौड़े मसाले की रेसिपी को जो है देख सकते हैं। तो इसे भी हम जो है ऑयल को गरम करके इन्हें भी हम डीप फ्राई कर लेंगे लो मीडियम हीट पे। रेनी सीज़न में ये बहुत अच्छे लगते हैं। रेनी सीज़न क्या किसी भी सीज़न में पकोड़े को हम बना के इंजॉय करते हैं। होप ये दोनों रेसिपी आपको पसंद आई होंगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ अगली बार नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।